वेलकम प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपके मेजबान फरा फारूक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। पिछले दिनों जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी रही उसने काफी सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर डाला है और उसका जो है वो इम्पैक्ट भी हमें नजर आया। पिछले दिनों भी स्टॉक मार्केट की अगर बात कर ले तो हमें काफी नीचे जाती स्टॉक मार्केट दिखाई दी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने नुकसान उठाया। लेकिन अब इक्तिसादी सूरत हाल क्या है और फ्यूचर क्या है इकोनॉमी के हवाले से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान का, तफसीलन इस सिलसिले में गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे विफाकी काबीना के उस इजलास के हवाले से भी जिसमें कराची और हैदराबाद के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया, किस कदर खुशाइंद है और पैकेजेस का ऐलान होने के बाद इन तमाम तर मामलात की इम्प्लीमेंटेशन का जब सिलसिला शुरू होता है उसको किस हद तक यकीनी बनाया जाएगा और इसके असरात कब तक सामने आना शुरू हो जाएंगे, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान हजरात मेरे साथ मौजूद होंगे। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं जनाब इख्तियार बेग साहब जो कि कौमी एडवाइजर टू पीएम है और मारूफ सनत का बेहद शुक्रिया आपका, और इसके साथ ही मौजूद है राजा अंसारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, नदीम शहजाद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। इख्तियार साहब आपसे बात का आगाज करना चाहूंगी क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है मामला सेटल हो जाते हैं शुरू होता है खत्म होता है लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स खसूसी तौर पर अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं तो उस पर हमें बाजे असर नजर आया और उसके बाद अब देख रहे हैं कि किसी हद तक बेहतरी आनी शुरू होगी क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है हमारी मार्केट। आप किस तरह देख रहे हैं तमाम तस्वीर? आपने बड़े मॉडेस्ट अंदाज में इस बात को फेस कर दिया, बात बड़ी गंभीर है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और जो जीआईटी की प्रोसीडिंग हुई, रिजल्ट आए, नतीजा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद सीनियर साहब की रैली वगैरह, फिर ताहिर कादिर साहब भी कूद गए उनके डर से और आज भी वो कुछ करना चाहते हैं और फिर दूसरी सियासी जमातों ने भी मसल दिखाया कि जी हमारी भी शॉर्ट स्टैंड, इन सब चीज़ों से मुल्क में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा हुई है और उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर है तो खट से पता चल जाता है। अब मैं एक हफ्ते के से फिगर लगाऊं पिछली लंबी चौड़ी, अगर लंबी चौड़ी बात करें तो ये 53 से 54 हजार इंडेक्स पहुंच गया था जो कम होकर 44 हजार हो गया, यानी 10,000, 9,500 अगर पॉइंट गिरे हैं तो तकरीबन आप 18-19% आपका स्टॉक एक्सचेंज सरमाकारी भूल गई है और वो छोटे सरमाकार मुतासर हुए हैं, अरबों रुपए के नुकसान हुआ है। लेकिन मैं एक हफ्ते की सिर्फ बात कर रहा हूँ, 7 अगस्त को हमारा इंडेक्स था 100 इंडेक्स 46,892 का, आज 16 अगस्त को जो है हमारा इंडेक्स ये है 44,186, यानी 2,700 पॉइंट एक हफ्ते में 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे जाते हैं तो हिल जाता है आदमी। और ये 2,706 पॉइंट यानी तकरीबन 6% जो है एक हफ्ते में मार खाई आप, आज अल्लाह अल्लाह करके 286 पॉइंट प्लस है लेकिन कल का जो दिन था वो तो 1,385 पॉइंट खत्म ही नहीं हो रहा था उसके जो नीचे जाना है। अच्छा, लेकिन जाना है। मिर्जा साहब यहाँ पर ये भी बात कर ली जाए कि कुछ बेहतरी भी तो आई है ना, जैसे बेहतरी मार्केट है लेकिन जो चीज बेहतरी है वो ये है जिसकी हमें बात करनी चाहिए कि इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ, एक वजीर आजम गए, दूसरे वजीर आजम नाम चेंज हुआ, नई काबीना बन गई, काबीना के इजलास हो गए, तरक्की आपकी मनसूबे ऐलान हो रहे हैं, कराची के लिए 15 अरब का मनसूबा, हैदराबाद के लिए 5 अरब का मनसूबा, नई काबीना इन प्लेस की पहली विजिट उन्होंने कराची की वजीर आजम साहब ने, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उसमें हम भी गए हुए थे, गवर्नर साहब ने मीटिंग अरेंज कराई, उन्होंने एक पॉलिसी दी, एक तो यह एक मुस्लिम नून की पॉलिसी का तकसल रहेगा तो आप घबराए नहीं कि पॉलिसी में कोई यू टर्न होगा। फिर उन्होंने ये भी बतलाया कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल मुझे पता है, टेक्सटाइल के मसाइल पता है, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं और उन्होंने अपने सातवें चेयरमैन एफबीआर को भी लिखा है कि तारिक पाशा साहब को मेंबर इन बोर्ड इनलाइन रेवेन्यू से अपना ख्वाजा तनवीर साहब और गवर्नर स्टेट बैंक से उन्होंने बताया कि भी हमारी निजी शोबे में कर्जों की बेहतरी हुई है, हमने जो रिफंड करने थे वो पहले से ज्यादा की, ताकि बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि उस दिन ओएसी चैम्बर के भी लोग बैठे थे, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के भी लोग बैठे थे, कराची चैम्बर के भी लोग थे, फेडरेशन के भी लोग थे, तो टॉप ऑफ द टॉप बात खत्म करता हूँ कि तरक्याती संसद में कराची के लिए ओवरड्यू था और कराची के लिए उस दिन की मीटिंग में ये कहा कि जी आप पैकेज
लेकिन वो 2-3 बिलियन वाला नहीं है क्योंकि हमारे जो इश्यूज हैं वो बड़े हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तर्जीह बुनियाद पे शाहिद खाना बादशाह साहब ने दोनों पैकेज ऐलान किए और उसमें जो प्रोजेक्ट में हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये एक तो उनकी वफा थी सूबे को और शहर कराची को जो अहमियत है वो वाजे करता है, और ये वफाक के मंसूबे जिसमें गवर्नर साहब उनके नुमाइंदे की हैसियत से इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, इसकी कॉस्टिंग भी करेंगे, इसका टाइम भी तय करेंगे किस प्रोजेक्ट में कितने दिनों में खत्म होना है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वफाक का ही नुमाइंदा उनके जो फंड्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमी के हवाले से पहले गुफ्तगू, फिर तरक्याती पैकेज पर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर बात करें तो काफी जो दरपेश चैलेंजेस थे उसे निमटते निमटते काफी बेहतरी की तरफ आए भी हैं, लेकिन अब सी पैक का हर कोई रेफरेंस देता है, तो सी पैक के हवाले से जो हम मशीनरी इम्पोर्ट कर रहे हैं उससे भी हमारे फॉरन रिजर्व पे नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो ये तमाम तर अब वक्त कम रह गया है, क्या स्ट्रेटेजी है अगर इकोनॉमी को मैं फोकस करते हुए आपसे बात करना चाहूँगी? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही पिछले दिनों में उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जब से पीएमएलए हुकूमत आई है 2013 के मुकाबले में 2000 आज हम 17 में हैं, बहरहाल बहुत चेंजेस भी आई हैं अमन अमान के हवाले से भी, इकोनॉमी के हवाले से भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, तो सूरत हाल बेहतर गई, लेकिन ये उन कुतों को भी सोचना चाहिए जो मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं, तो फिर मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और इकोनॉमी के हवाले से भी पीछे चला जाता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि ये वो कौन से अवामिल हैं जो पाकिस्तान के इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहे हैं, वो कौन से चेहरे हैं जो पाकिस्तान में मुआशी तरक्की ला रहे हैं और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और वो कौन लोग हैं जो मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करके मुल्क की मईशत को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ये सूरत हाल क्रिएट हो गई है उसमें बहुत जबरदस्त हद तक जो है वो हुकूमत ने जो जमहूरी ट्रांजेक्शन का जो पीरियड था जिसमें एक वजीर आजम साहब चले गए तो दूसरे वजीर आजम आए, उनकी इलेक्शन हो गई, फिर कैबिना ने अपना हल्फ उठाया, फिर तमाम मुल्क ने अपने काम करना शुरू कर दिए, ये हम मैं समझता हूँ कि जो उस अनसर्टेनिटी के जो नुकसान हुए उसको और कम करने के लिए हमारे पास पॉलिसी थी वो तो ये थी कि हम स्मूथली ये ट्रांजेक्शन पीरियड जो है उसको गुजारें। अब आ जाता है हमारे पास सिर्फ 8 से 10 महीने रह गए हैं, उसके बाद इलेक्शन 2018 हो जाएगा, तो इसके अंदर हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि हम सीपेक के ऊपर तेजी से काम जारी रखें। पाकिस्तान आर्मी भी ये चाहती है, पाकिस्तान के दीगर स्टेक होल्डर्स भी ये चाहते हैं, हमारी हुकूमत की भी पूरी ये तवज्जो है कि हम सीपेक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में काम शुरू करें। अच्छा, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारे शॉर्ट टर्म मनसूबे हैं जो बहुत ज्यादा हद तक फ्रूटफुल साबित होंगे वो हम चाहते हैं कि इन 6-8 महीनों में हम शुरू करें, और वो मंसूबे जो हमने 2012 में शुरू 2013 में और 2014 में शुरू किए थे वो अब इंशाल्लाह 5 से 8 महीने में जब वो कंप्लीट होंगे, खासतौर पर बिजली के मंसूबे जब वो अपनी जनरेशन शुरू उनकी मिलना शुरू होगी और नेशनल ग्रिड में जाएगी तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी बड़ा जबरदस्त है। नदीम साहब, जैसे कि राजा साहब ने कहा कि 2012 और 2013 के जो मंसूबे थे वो पाए तकमील को पहुंच चुके, एनर्जी सेक्टर का तस्करा हुआ, बीच में स्टी पैक पे सारा जो है वो तकिया करके हम बैठे हुए हैं, तो इक्तिसादी सूरत हाल की हम बात करें तो जो मौजूदा अशारिये हैं जो सूरत हाल रही आपका, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में भी आप लोग कवरेज करते रहे, इस दौरे हुकूमत में भी, तो कितना फर्क नजर आता है? जी बिल्कुल, 2013 में जो सूरत हाल थी वो और उसके बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत आई उसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी, इकॉनमी बहुत बिल्ड हुई, मजबूत हुई, लेकिन इसके अंदर जब देखें कि हालिया जो GIT की वजह से मामला बने पनामा लीक की वजह से, इस पनामा के अंदर मेरे को तो इतनी बड़ी करप्शन नहीं होगी जितना मजमू तौर पर मुल्क को नुकसान हो चुका है अगर उसके इन तमाम अदाद शुमार अगर इकट्ठे किए जाए। तो इस हवाले से अब देखें कि स्टॉक एक्सचेंज की जैसे मिर्जा साहब भी बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के उस वक्त के जो माहरीन थे जिस वक्त 53,000 तक इंडेक्स गया तो उसको माहरीन ने कहा था कि 60,000 तक जाने की उम्मीद है, लेकिन वो जी इंशाल्लाह होगी, जरूर होगी, तो वो 60,000 इंडेक्स बजाय जाने के वो डायरेक्टली नीचे आना शुरू हो गया, हमारे जो ग्राफ था वो गिरना शुरू हो गया, जिससे गिरते आप देख लेंगे 47-44,000 पर आकर वो रुक चुका है। जहां तक सीपैक के मतलब सीपैक के अंदर भी उस वक्त कुछ लोगों ने जैसे ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई उनको जाना पड़ा तो उसने सोचा शायद इस किस्म के जो मनसूबे मेगा प्रोजेक्ट हैं ये रुक जाएंगे, मुल्क की तरक्की रुक जाएगी, दुश्मन तो चाहता है कि पाकिस्तान के ऐसे मनसूबे जिसमें वो तरक्की और कामयाब
सऊदियों की तरफ की राह पर गामजन है, वो रुकते हैं उसमें रुकावट है, और बल्कि इंटरनेशनल लॉबी तो कोशिश कर रही होगी, लेकिन हमारी कौम का जो जज्बा है, हमारा जो खासतौर पर ताजर बरादरी है, सरमायाकार हैं, इनकी जो काविशें कोशिशें, अभी भी हम देखेंगे वजीर आजम साहब शायद काकाना बासी साहब जब कराची तशरीफ लाएं तो बिजनेसमैन कम्युनिटी उनके साथ साथ रही है, उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके बाजू बनेंगे, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो भी हमसे मुमकिन होगा वो हम अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे, और वो कर भी रहे, बल्कि गुज़श्ता दिनों पैनासोनिक के जो कंट्री हेड ऑफ एशिया वो कराची जब आए तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी सीपैक बहुत बड़ा गेम चेंजर, उनके ये अल्फाज थे कि गेम चेंजर है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक सुनहरी बाब है, और पैनासोनिक कंपनी भी वहां पर अपने प्रोजेक्ट लगाएगी, और हम बल्कि होपफुल है, उम्मीद रखते हैं कि ऐसे जो खिता है पाकिस्तान का गोल्डन मुस्बत उम्मीदें जो है वो रखी जा सकती है। मेरे ख्याल में सब ताजर बरादरी की बात हुई, लेकिन हमने ये देखा कि जो सूरत हाल रही, हम बहुत अच्छा अपनी बाजू का इकोनॉमी की पिक्चर जो आती भी है बेहतर तरीके से सामने, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे हैं, उस तरह नहीं है जिस तरह के होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि मजीद क्या उसको चाहिए कि हम अट्रैक्ट कर सके उस फॉरेन इन्वेस्टर को? देखिए फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर बड़ा शर्मिला होता है, वो जरा सी भी अनसर्टेनिटी एकदम पीछे चले जाता है हाथ खींचने पर, और उसको हम लोग कहते हैं वेट एंड सी में चला जाता है। वेट एंड सी 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का होता है, कभी साल का भी ज्यादा हो जाता है। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ये जो बातें हो रही हैं, तो कभी कहते हैं वो टेक्निकल रोड गैप में रह जाएगी, कभी कहते हैं कि सिविल वॉर हो जाएगी, इस तरह लोग हमारे यहाँ मल्टी सोच ज्यादा रखने वाले लोग हैं, और वो इस तरह की सेंसेशन फैलाती है कि उससे हर एक आदमी घबरा जाता है। तो ये टाइम नए सरमाकार को पाकिस्तान लाने का फिर नहीं होता, तो हमें उनको लाने के लिए जरूरी है कि पहले मुल्क में हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करें, एक माहौल, एक फजा, एनेबलिंग एनवायरमेंट जिसको कहते हैं वो पैदा करें, और जो मुझे पूरी अल्लाह की रज़ा सुनने को जाएगी। दूसरे सी पैक के मनसूबे जो हैं उसमें मैं जरूर बात करूंगा। जब ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही सियासी हालत के काम, तो लोगों ने कहा कि सी पैक के मनसूबे डिरेल हो जाएंगे, ताखीर का शिकार हो जाएंगे, कुछ मनसूबे उनके रुक भी जाएंगे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए अभी पिछले हफ्ते, और उन्होंने 14 अगस्त को हमारी कौम आज़ादी में हिस्सा लिया, और उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए आया, और उस स्टेटमेंट ये था कि सी पैक के मनसूबे किसी दो शख्स के बीच में नहीं है, कि दो हुकूमतों और दो मुल्कों के बीच में है, और ये रीजन के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए, और ये हर वक्त इंशाल्लाह हर हालत में वक्त पे मुकम्मल भी होंगे और पाए तकमील का भी पहुंचेंगे। ये पॉलिसी स्टेटमेंट आया है। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी मैं बतला दूं कि जो लोग मनफी लोग हैं, सैडिस्ट लोग हैं, बातें करते हैं, तमाम सियासी जमाती सी पैक एक लफ्ज किसी ने कुछ दूसरा ने कह दिया ऑन बोर्ड, हमारी सिविल मिलिट्री क्यादत ऑन बोर्ड, मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में टॉप पर सी पैक है, लिहाजा उधर भी आपको कहीं पे कोई दलाल या कहीं पे कोई चेकिनेस नहीं नजर आती। लिहाजा हमें अपने आप पे, अपने मुल्क पे, अपनी पॉलिसी मेकर पे एतबार। अच्छा, मैं आपसे ना फॉरेन करेंसी रिजर्व के हवाले से भी बात करना चाहूंगी। ये जो FDI बढ़ाने की, फिर इम्पोर्ट जिस तरह कम हो रही है, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्ट को कम से कम किया जाए, तो फिर जो है वो फॉरेन रिजर्व बेहतर हो सकते हैं। तो इतनी लंबी प्लानिंग, वक्त कम, आपको क्या लगता है इकोनॉमी के हवाले से भी मैं इस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ, तो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, आपके जो फॉरेन रिजर्व होते हैं ना, वो 3 चीजों से बनते हैं, गर्म मोहम्मद के दखाए। पहला जो है एक्सपोर्ट, जब हम लोग से माल बेच रहे हैं तो डॉलर आते हैं, रिजर्व बढ़ता है, हमारी गिर रही है 25 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन के अंदर चली गई है। दूसरा रिजर्व बढ़ने का होता है रिमिटेंसेस, रिमिटेंसेस हमारी माशाल्लाह 20 बिलियन डॉलर तक गई, इस साल 1 बिलियन कम हुई है, 19.5 हो जाएंगी। तीसरा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, वो हालात की वजह से जरा सा है, लेकिन सीपैक से 40 अरब डॉलर की सरमाकारी है जो बढ़ के रिजर्व की बात होगी। अब हमारा मसला है, क्योंकि जब नए मनसूबे लगते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी इम्पोर्ट होती है, और हमें हमने लोड शेडिंग खत्म करी तो LNG
हमने मंगा के सनत को दिया कि पहिया चले, तो एक अरब डॉलर की एलएनजी अभी तक आई है, वो एडिशनल बिल आया और प्लांट एंड मशीनरी जो आ रही है इन मनसूबों की इसी पैक के, उसकी पेमेंट भी हो रही है। तो इस इंपोर्ट से इंपोर्ट बिल बढ़ गया 52 अरब डॉलर और एक्सपोर्ट है 20 अरब डॉलर, तो तजारती खसारे इन दोनों को 32 अरब डॉलर हो गया। अब तजारती खसारे को खत्म करने का, क्योंकि वो मशीनें हमारे लिए जरूरी है, मशीनें लगेंगी तो नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, एक्सपोर्ट होगा, मार्जिन ग्रोथ होगी, तो वो जब भी मशीन इंपोर्ट होती है इंपोर्ट बिल ऊपर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, अपने रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो उसको बैलेंस करे, नहीं तो हमारी इंपोर्ट अगर और ज्यादा बढ़ गई तो आपके रिजर्व साफ हो जाएंगे, और जब रिजर्व कम होंगे तो रुपये की कदर के ऊपर प्रेशर होगा, आपका रुपये हो सकता है 112 रुपए का हो जाए, 114 रुपए का हो जाए। अभी तक हुकूमत ने माशाल्लाह इसको एक स्टैंडर्ड कदर पे रखा हुआ है, 107 रुपए की, 106 रुपए की, बहुत बड़ी बात है, ये मुश्किल भी हो जाएगा इसको ऐसे मुश्किल हो जाएगा अगर मर्जी। सही है, अब हम थोड़ा तरक्याती पैकेज के हवाले से बात कर लेते हैं। वफाकी काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है 25 अरब रुपए जो है वो कराची के लिए, हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज है, और न सिर्फ ये कि बल्कि हुकूमत की कोशिश है कि तमाम फेडरेशन यूनिट्स को बराबरी की बुनियाद पर जो है वो तमाम फंड फराहम किए जाएं, और यकीनी बनाने के लिए जो है वो मॉनिटरिंग यूनिट भी तश्किल दिया गया है। मैं आपसे राजा साहब ये सवाल करना चाहूंगी कि बहुत सारे मनसूबों का ऐलान हो जाता है और फिर अब जाहिर वक्त कम है क्योंकि, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये जो यूनिट तश्कील दे दिया गया है, आपको क्या लगता है कि ये यकीनी बनाएगा कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा असर कराची जैसा बड़ा शहर और दूसरे नंबर पर हैदराबाद की अगर बात की जाए? देखें, ये सबसे पहले तो ये जो कराची के पैकेज के हवाले से, ये मियां नवाज शरीफ साहब का काफी अच्छे से ये ख्याल था कि कराची क्योंकि बहुत अच्छे से नजरअंदाज हुआ है, और किसी जमाने में मैं समझता हूँ परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में जब नाजिम होते थे मुस्तफा कमाल साहब, कुछ काम देखने को मिला, उसके बाद को मुसलसल कराची दहशतगर्दी की लपेट में रहा और इग्नोर होता रहा। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि कराची को बेहतरीन एक पैकेज दिया जाए, लेकिन बहरहाल वो फिर कोर्ट के हवाले से फैसला आ गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी वो प्रायोरिटी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ी, वो भले ट्रांजेक्शन पीरियड से गुजर के और फिर शाखा खान अब्बासी साहब वजीर आजम बन गए, लेकिन कराची को वो जो पहले हमने सोचा तकरीबन 20 या 23 अरब थे, अब हमने 25 अरब करके गवर्नमेंट ने और वो कराची के हवाले किए। अच्छा, उस पर देखा यह गया बुनियादी तौर पर हमारी PMLN का भी इसमें इस्तेमाल था और कराची के ताजिब बरादरी का भी इसलिए था कि आप बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट खुद इसका चेक एंड बैलेंस अपने पास रखें, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट के तजुर्बे माजी में जो है वो बेहतर नहीं हो गए, पैसे बहुत सारे आए, फंड बहुत आए, लेकिन कराची में उस लेवल का काम नहीं हुआ, तो सबको सब स्टेक होल्डर्स को इस पे रिजर्वेशन थी। अच्छा, इसलिए इस दफा गवर्नर हाउस में एक मैनेजमेंट यूनिट के हवाले पूरा बनाया जाएगा जो इस पूरे 25 अरब रुपए के जो मंसूबे होंगे उसको चेक एंड बैलेंस भी करेगा, काम की रफ्तार को भी चेक करेंगे, और कोशिश होगी कि हम अपने इसी अरसे के अंदर गवर्नमेंट के हम कराची को एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें, बेहतरीन हॉस्पिटल्स दें, उसमें हॉस्पिटल्स का भी मंसूबे हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से मंसूबे हैं, कराची में पानी के फोर का मंसूबा अलग है, एक 25 अरब में से इनमें हम एक और पानी का मंसूबा भी ला रहे हैं, फिर कराची का ट्रैफिक का बड़ा बहुत बड़ा मसला है, उसको भी हम चाहते हैं कि जो कराची की मेन शाहरा है उसको थोड़ा एक्सटेंड करें ताकि ट्रैफिक फ्लो जाए। बाद लोग ये भी जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शायद वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो है आखिरी वक्त पर बहुत अच्छे से था वोट बैंक में टाइम नहीं मिला, आपने देखा कि हमारे गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस थे। अच्छा, कराची के जो पसमानदा इलाके हैं, सेंट्रल ऑफ सिटी तो बहुत ज्यादा डेवलप हो भी गया है, वहां पे भी अगर गुंजाइश होगी जरूर काम होगा, क्योंकि हमारे लिए सारे एरिया बराबर हैं, लेकिन कराची के वो इलाके जो कराची के गिरदोनवा जिसे हम कहते हैं वो भी कराची है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत बुरी है, वहां पे भी खर्चा होगा। और फिर ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है उसकी पूरी निगरानी गवर्नर साहब खुद कर रहे हैं, तो बींग अ गवर्नर जब उसकी निगरानी करेंगे तो ना सिर्फ हम उसकी फाइनेंशियल निगरानी करेंगे, ना सिर्फ हम उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे फाइनेंशियली, बल्कि हम फिजिकली भी उसकी निगरानी करेंगे, यानी जब काम शुरू होगा तो गवर्नर साहब या उनकी टीम खुद उस पर फिजिकली जाके मौके पर भी उस काम की रफ्तार को उसकी जो क्वालिटी है उसको भी चेक करेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे कराची की आवाम का एक एतमाद जरूर बहाल होगा PMLN की गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट पर, लेकिन हम ये वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर वोट लेने के लिए करते तो 25 अरब का ऐलान हम एक बहुत बड़े जलसे में करते, हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते, जलसे करते और लोगों को बताते, जतलाते कि हमने ये किया है। ये बड़ा खामोशी से हो रहा है और बड़े अच्छे तरीके से। नदीम साहब, आप मुस्तकिल मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? और बीच में जो राजा साहब ने कहा कि हमेशा मसला रहा है कि विफाक से तो पैसे रिलीज कर दिए जाते हैं, उसके बाद प्रोविंसेस में जो है वो देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन सही तरह और पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होता। जी, कराची के अंदर पहले ही जो है 75 अरब रुपए के मनसूबे जो है काम जारी है, 50 अरब का 11 अगस्त तक रिलीज कर दिया गया है। उसके अलावा भी 25 अरब का ये नया एक जो पैकेज दिया गया कराची के लिए, इस किस्म के पैकेज पहले भी अनाउंस हुए, मुशर्रफ दौर में भी हुए कराची के लिए, तैयारी के बारे में पैकेज अनाउंस होते रहे। लेकिन बात यही है कि इस वक्त अगर देखा जाए, हमारे तो यहाँ जो भी सियासी पार्टियां हैं जो कराची पर अपनी हाकमियत के दावेदार हैं, और यहाँ पर जैसे कि सबका मेयर ने तो वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट मेयर होने का खुशताख्ता अवार्ड भी हासिल किया उन्होंने, लेकिन उस वक्त से लेकर और आज तक देखें तो हमारे शहर को कोई, अब इस पर जो आबादी का 3.25 करोड़ से ज्यादा आबादी कराची की है, ताजा तरीन मरदमशुमारी की रिपोर्ट आई है, 21 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है। तो इस हवाले से कराची के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट सफरी सहूलियात को देख लें, ट्रैफिक के निजाम को देख लें, तो कोई पाकिस्तान को नहीं मिला, कराची को नहीं मिल सका। अब आप देखें कि सर्कुलर रेलवे का जो सिस्टम है वो भी अभी तक पेंडिंग के अंदर है, हर दौर में हर हुकूमत ने कहा कि इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको आगाज करेंगे, लेकिन उसके बाद 32 का निजाम अगर देख लें तो इस वक्त भी कराची के अंदर 150 रूट पर बसें चल रही हैं, 200 रूट बंद हैं, 4,500 मिनी कोचे बसें जो आवाम के लिए यहाँ कराची के अंदर ऑन रोड हैं, लेकिन ये बहुत कम है। ग्रीन बसेस का जो मनसूबा भी, ग्रीन लाइन का मनसूबा भी चल रहा है, वो भी तातुल का शिकार हो चुका है कि 2.5 माह उस पर काम रुका है। उस पर भी कुछ सिविल सोसाइटीज ने जो है वो एतराजात लगाए हैं, जिसमें उन्होंने एतराज भी लगाया। ये भी इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, वफाकी काबीना ने जो तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है कराची और हैदराबाद के लिए, और नदीम साहब जो है इस हवाले से ये कह रहे थे कि जब भी किसी तरक्याती मनसूबे, खासतौर पर अगर ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए कोई भी मनसूबा शुरू होता है तो उसको रोक दिया जाता है, और सिविल सोसाइटी का भी आप कह रहे हैं कि इसमें बड़ा किरदार रहता है। जी, अभी हालिया देखें कि ग्रीन लाइन मनसूबे पर भी सिविल सोसाइटी की तरफ से कुछ इतराजात लगे, और इतराजात की जो एक उनमें शिक थी वो ये थी कि हम कैदरों के मजार के बसरी नजारे से महरूम रह जाएंगे उसके वो देखने से। हम ये कहेंगे कि अब वो देखने के लिए तुम करीब जाकर भी मजार कैद के अंदर जाकर भी हम देख सकते हैं वो नजारा। अगर हम इस किस्म के इतराजात से हट जाएं और बेहतर जो कैदरों साहब ने फरमाया, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, अगर हम इससे ही मजबूती से पकड़ लें और आपके फरमान पर हम चलना शुरू कर दें तो मुल्क के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आप देखें कराची तो मसाइल का गढ़ बन चुका है। पर पानी का निजाम यहाँ देख ले तो पानी का कोई हाल नहीं है। सुरताल में पहले भी कह चुका कि पीपल्स पार्टी की यहाँ सिंध में हुकूमत है, उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया है, ये उनका स्लोगन भी है, लेकिन अगर उसमें बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब अगर मेहरबानी करें, पानी का भी अगर इजाफा कर देंगे, रोटी कपड़ा और मकान और पानी, तो फिर शायद उसकी बेहतरी के लिए कुछ हो सके। आज भी बल्दिया टाउन के अंदर 4 माह से अभी तक पानी सप्लाई का उस पूरे इलाके को नहीं दिया गया, लोग तरस रहे हैं। फिर हमारे ट्रैफिक के निजाम पर तुर्की से एक टीम अभी आई हालिया दिनों में, जिन्होंने सर्वे किया कि ट्रैफिक की जो जाम है इसका फ्लो को कैसे बाहर रखा जाए। तो इसके लिए आसान हल ये, हम तो कहते हैं कि हुकूमत इतने अखराजात करती है, उन जर्नलिस्ट को ले ले जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, जो लिफाफे से पाक जर्नलिस्ट हैं, उनको ले, उनकी खिदमात देने को तैयार हैं, तो वो आपको बताएंगे कि नए रूट्स की जरूरत है कराची के अंदर। उन फुटपाथें 8-8 फीट की फुटपाथें बना दी गई हैं, जिस माशरे में फुटपाथ पर चलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पसारे एटीए लगा दिए गए, और उसमें बाकायदा तौर पर उन इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को रोकें, नजायज जायदाद को हटाएं, नए नए रूट्स बनाएं ताकि नए रूट्स पर वो ट्रैफिक फ्लो। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, डेफिनेटली कहा जा सकता है कि कराची के बारे में सोचा जा रहा है, साथ ही साथ हैदराबाद की बात हो रही है। 25 अरब एक बड़ी रकम होती है। मिर्जा खैर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कि वाकई हुकूमत संजीदा है इन तमाम जिनकी निशानदेही हम वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, निमटने के लिए कराची की अगर बात करें? देखिए, कराची की जो मेन इश्यूज थे उसके लिए वसाइल जो सूबाई हुकूमत से नहीं मिल रहे थे। अब या तो एक हल यह था कि उसको उसके हालत पे छोड़ दिया है, जब वसाइल होंगे तो उसको मुकम्मल किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वफाकी हुकूमत ने ओनरशिप ली उन प्रोजेक्ट की जो कराची के लिए वाइटल है, इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे ग्रीन लाइन का उन्होंने एक मंसूबा लगाया था जो वफाकी था, और वो एक खास लाइन से आके रूट से वो ख़त्म होती थी, लेकिन उसके आगे भी जाया जा सकता था, उसको पहले से भी शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस जो पैकेज है उसमें ग्रीन लाइन का चौथी का मंसूबा है। कराची का सबसे बड़ा मसला अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या है, तो मैं कहूँगा पानी, दूसरे नंबर पर भी पानी, तीसरे नंबर पर भी पानी। ये
बहुत बड़ा मसला है। आप अपना पानी चोरियों से टैंकरों से खरीदते हैं जी। और डिफेंस में जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग भी अब 5-6 हजार रुपए का टैंकर पानी की खरीदते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिहाजा K4 का प्रोजेक्ट एक है, उसके साथ साथ ये सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट है जो पानी की फराहमी को बढ़ाएगा, जो बहुत जरूरी है, उस लिहाज से भी अच्छा है। फिर जयवी एक्सप्रेस वे की भी इंशाल्लाह तकमील जो आपने बात की है इस साल के एंड तक हो जाएगी, और उसके साथ 50 फायर फाइटर्स KMC को दिए। हमारे यहाँ इतना बड़ा शहर जब आग लग जाती है दो जगहों पे तो वक्त पड़ जाता है कि फिर फायर फाइटर को कहाँ बुलाए, और जो फायर फाइटर भी हैं वो नई टेक्नोलॉजी वाले नहीं है कि वो नीचे ऊपर चले जाएं और वहाँ पे वही पुराना कन्वेंशनल कंट्रोवर्शन जो है वही अपना जो पुराने हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें एक चीज जो सबसे अच्छी की गई है कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमारे कराची में थे और हैदराबाद में थे, उनकी हालत बहुत खराब है। उनमें जो सड़कें हैं वो ऐसी हालत में हैं कि कोई फॉरेन बायर्स को अब नहीं ला सकते, वो बायर एक बार आने के बाद कभी आने का नाम नहीं लेगा, पूरी हालत में। और इंडस्ट्रियल स्टेट अमूमन मॉडल होते हैं, अच्छा माहौल, ग्रीनरी, वाइडर सड़कें, उस पर लोग आते हैं, बायर्स आते हैं, फैक्ट्री की विजिट करते हैं, प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो इस बार उन्होंने तमाम हैदराबाद और कराची के इंडस्ट्रियल स्टेट की अपग्रेडेशन भी इसमें शामिल की है। तो ये वो चीजें थी जो यकीनन मिसिंग थी और उनका होना जरूरी था। और इसमें जो चीज जो मुझे ज्यादा तकवीर देती है कि भाई जिसका पैसा उसी का हवलदार है। बिल्कुल, गवर्नर साहब को उन्होंने इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए गवर्नर हाउस में सेल बना के कंट्रोल, और वही वहां बतलाएंगे, वही टाइम लेंथ तय करेंगे कि किस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट है, किस वक्त में कंप्लीट होना है। तो ये तमाम चीजें तकवीत देती है इस बात की कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जिस मकसद के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं वो सेहत के जो है हवाले से भी पैसे मुख्तस किए गए हैं। हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, उससे पहले मैं ये आपसे राजा साहब सवाल करना चाहूंगी कि हमारे पास एग्जांपल रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में कि जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट और डिफरेंट प्रोग्राम थे उनको कंटिन्यू किया। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा प्रोग्राम है तो वो आगे चलता रहना चाहिए, दौरे हुकूमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि अगर ये इतने अच्छे पैकेजेस का ऐलान हो जाता है जिससे आवाम को फायदा है, आने वाली हुकूमत अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं होती तो वो क्या इस तरह इसको लेके आगे बढ़ सकेंगे आवाम के फायदे में? मैं समझता हूँ उसकी रवायत तो हमने डाल दी है, ना सिर्फ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज की रवायत हमने डाली बल्कि हमने ये रवायत भी डाली कि माजी में ये होता था कि किसी भी सूबे में अगर आपके पास इतने वोट नहीं है कि आप हुकूमत बना सकें तो आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर मेजॉरिटी पार्टी को अपोजिशन में रखते थे। हमने इस बार KPK में भी हुकूमत बना सकते थे और बलूचिस्तान में भी बना सकते थे, लेकिन हमने बलूचिस्तान में बलोच नेशनलिस्ट को मौका दिया और KPK में हमने इमरान खान को मौका दिया कि अगर आप मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी भी लेके आए तो आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, हम दीगर जमातों के साथ बैठ के नहीं कर सकते। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा इजी होता है कि वो प्रोविंस में कर सके। एक तो हमने ये रवायत डाली और ये बड़ी बेहतरीन रवायत है। दूसरी रवायत यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिस तरह आपने जिक्र किया, BISP नो डाउट के जरदारी साहब के दौर में यह इदारा बना, लेकिन चूंकि ये बेहतर इदारा था, पॉवर्टी को कम करने के हवाले से इसमें चीजें थी। अच्छा, उसमें ना सिर्फ हमने इसको कंटिन्यू किया बल्कि उसमें हम बेहतरी लेके आए। जरदारी साहब के दौरे हुकूमत तक, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत तक ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसा देने का इदारा था। इस दफा जो BISP में काम हुआ और खासतौर पर मुसलमान मार्जिन मेमन जब से इसकी चेयरपर्सन बनी, उन्होंने कोशिश की कि जो जिस हाथ को हम दे रहे हैं उसको हम हमेशा लेने वाला हाथ ना बनाए रखें, उसको हुनरमंद भी करें ताकि वो इस पॉवर्टी लाइन से निकले, इस स्केल से निकल के और वो आज जब कैसे ले रहे हैं वो देने वालों में शामिल हो जाएं। तो उनको टेक्निकल भी बना रहे हैं, उनको हुनरमंद भी बना रहे हैं, उनको कारोबार भी खोल के दे रहे हैं, वसीला तालीम के हवाले से उस पर काम हो रहा है, वसीला रोजगार के हवाले से काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें उसमें बेहतरी भी हुई। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कानून साजिश की भी जरूरत है कि हम आईन में भी इस तरह की शिकें डालें
कि गवर्नमेंट कोई भी आए जो मुल्क और कौम के फायदे के अंदर जो पॉलिसीज बनेंगी वो कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान का अलमिया ये रहा कि हमने ज्यादातर तरक्की करी इसलिए नहीं तरक्की कर सके कि हर पांच साल के बाद या चार साल के बाद चली जाती है। एक तो माजरत के साथ के जमहूरी हुकूमतों को मैटेनोर पूरा ही नहीं करने दिया गया, फिर वो पहले ही तीन तीन साल ढाई ढाई साल हुकूमत करें तसलसल भी ना हो तो वो फिर उसका लाजमी बात है इम्पैक्ट गलत जाता है। सेहत के हवाले से आपने बात की, 25 अरब रुपए का जो पैकेज है उसमें कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज का हम सोच रहे हैं कि उसमें मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और बड़ी जबरदस्त तर्ज की एक हॉस्पिटल कराची में हो, क्योंकि कराची की आबादी बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट के हवाले से कोई इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है जैसे हम मॉडल हॉस्पिटल कह सकते हैं। हैदराबाद में इसी तरह के हैदराबाद में भी बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल का इरादा है, यूनिवर्सिटी का इरादा है हैदराबाद के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये चीजें अब हम ये दुआ कर रहे हैं कि हमें ये काम करने दिए जाएं। टारगेट कितना रखा गया है ये, क्योंकि बहुत बड़े मंसूबे हैं, ट्रैफिक की बात कर ले, हॉस्पिटल्स की बात कर ले, कोई ये एक दो महीने वाले काम नहीं है। नहीं, इसमें हमने दो हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मंसूबे हम अलग करेंगे, उसके ऊपर फौरी काम शुरू होगा ताकि वो रिजल्ट देना शुरू करें। लॉन्ग टर्म मंसूबों के लिए हम कोशिश करेंगे कि जितना तेजी से काम हो सके वो हम अपने इस टेन्योर में कर जाएं। पॉसिबल है कि हॉस्पिटल हो गया या यूनिवर्सिटी हो गई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनते बनते हमें 2018 के इलेक्शन आ जाएंगे, लेकिन हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह 2018 के बाद हम गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह। नदीर साहब ये बताइए कि जाहिर है कोई भी हुकूमत हो इस तरह के पैकेजेस ऐलान करते हैं, जर्नलिस्ट तो पिछले दौरे हुकूमत में भी वही रहता है, अगले दौरे हुकूमत में भी वही रहता है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म, जैसे उन्होंने बताया कि डिवाइड तो कर दिया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक डिफिकल्ट टास्क होगा, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान के कोई भी मंसूबा है वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में कोई भी काम हो वो छोटा हो बड़ा हो जिस भी लेवल पर हो, अगर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तो पाकिस्तानियों को तो उससे खुशी ही होगी। उसमें वो जर्नलिस्ट एक शहरी होने के नाते शहरी भी है, अगर हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं जो बात कर रहे हैं तो शहरी के नाते भी हम करते हैं कि एक शहरी के लिए और खुशी क्या बात होगी। इस किस्म के मंसूबे आए, जैसे हेल्थ के ऊपर आप देख लें किस जरूरत है हमारे कराची के अंदर, बल्कि गवर्नर साहब ने खुद भी ये बात फरमाई है कि 100 अरब भी कराची के अंदर कम है, उनके सामने ये मसाइल है, उनको ये मसाइल से बखूबी वो आगाह है। और शायद फखाना बाकी साहब जो हमारे नए वजीर आजम साहब है वो चेयरमैन पीआईए भी रहे, कराची के जो ग्राउंड रियलिटी उसको बहुत अच्छे अंदाज में समझते हैं और ये उन्होंने ऐलान जो खुशाइन किया वो जेल में भी रहेगा। जी जी, तो अब आप देखिए कि इस हवाले से हमारी कौम का जो जज्बा है आवाम तो चाहती है लेकिन इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, आवाम को भी यही खदशे आते हैं कि जो प्रोजेक्ट जो मनसूबों पर इतना अरबों रुपए लगाया जाता है उसके बाद वो कहां जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 1999 से लेकर 2004 तक जो 300 बसें आई थी उस वक्त अर्बन स्कीम के तहत, वो बसें आज रोडों से गए थे, उनके तो फ्रेम भी पता नहीं कहाँगे, उनके कागजात भी कहाँगे। फिर हमारी आवाम को जो जोश है कि उसको अगर देखना है तो भी आप हालिया जश्न आजादी पर देखें, 15 अरब से ज़ायद की जो खरीदारी की गई कि कराची की जो आबादी है वो 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ झंडों का एक फिगर आया सामने के जो खरीदे गए, ये सिर्फ कराची की बात है, पूरे मुल्क में कितनी हुई है कि सेल वो अलग है। और नौजवानों ने, बच्चों ने, खवातीन ने अपने पहनावे, अपने लिबास पाकिस्तान के कलर में रंग दिया जिस अंदाज में जिसने खुशी मनाना चाहिए मनाई। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बात मैं और करता जाऊँ जी कि कराची के अंदर जो अमन बहाल हुआ है कि देखें जैसे स्वातवाना के अंदर जो ऑपरेशन चल रहे थे जब वहां अमन बहाल कर दिया, दहशत गर्दों को भगा दिया, तो फिर उसके बाद वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हो गया। तो अब हम तो ये समझते हैं कि जो पॉलिसी भी वही है, कराची में अमन बहाल हुआ है, वो दहशत गर्दी के निजामों को जी बिल्कुल पूरा उम्मीद है और अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम भी शुरू हो चुका है और हर शख्स खुश है और अब हालिया चुके हैं। तो मिर्जा क्या साहब, जैसे कि ये नदीम साहब भी कह रहे हैं और जाहिर है आपका भी ताल्लुक कराची से है, मसाइल आपके सामने हैं, हैदराबाद और कराची की अगर मजमू तौर पर बात कर लेते हैं तो ये जो आगाज किया जाएगा चीजों को, आपको लगता है जब ये पाए तकमील को पहुंचेंगी और पानी का मसला अगर फौरी तौर पर हल नहीं भी होता है तो आवाम को रिलीफ बहरहाल मिलेगा, आप कुछ है आपको उम्मीद इससे? देखें, ये जब इलेक्शन ईयर आता है तो ये हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि उसके मंसूबे ज़्यादा के ज़्यादा इलेक्शन ईयर में तकमील तक पहुँच जाए ताकि उसके समरात लोगों को पहुँचे और उसका क्रेडिट ले जिससे वोट बैंक, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जो मंसूबे बड़े होते हैं वो जरूरी नहीं होता कि उस पीरियड में कंप्लीट हो,
लेकिन लोग जब देखते हैं कि भाई ये काम शुरू हो गया है, आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस इनका काम है, मीडिया वालों का, गवर्नर हाउस के स्टाइल का, कि लोगों को अपडेट करे इन अहम मनसूबों के प्रोग्रेस के, मंथली इसकी ब्रीफिंग हो, मीडिया को बुला के बतलाए कि ये मनसूबा अब यहाँ तक पहुँच गया, ये यहाँ तक पहुँच गया, तो ये सब चीज़ों से लोगों का अहतमाद बढ़ेगा। और लोग अगर वो तकमील से नहीं भी पहुँचे तो लोगों को एक सेटिस्फेक्शन होगा कि ये आगे बढ़ना है। अब जहाँ तक सवाल यह है कि ये मनसूबे ज्यादातर इसमें ऐसे भी हैं जो लॉन्ग टर्म है, मिसाल डॉक्टर यूनिवर्सिटी का है, मेडिकल कॉलेज का है, हॉस्पिटल्स का है, K4 के अलावा पानी का जो प्रोजेक्ट है वो भी लंबा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये शहर के लिए जरूरी है, लेकिन ये भी जहन में रख लीजिए आरोप जो पूरे मुल्क के लोगों को हाथ फैला के राज्य खड़ा ये वेलकम करता है और हर रोज उसकी आबादी में जो होता रहता है और यहाँ से जॉबिंग भी लोगों को मिलती है, यहाँ से लोग उनको रोटी भी मिलती है, माशी तरक्की का भी जामिन है, पाकिस्तान का ये माशी और फाइनेंशियल हब भी है, दो पोर्ट से 65 अरब डॉलर की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो ये शहर का एक तो जब इस इतने इम्पोर्टेंट शहर में लोग आते चले जा रहे हैं और अपने रिस्क रोजी तलाश करके वहीं पे बस रहे हैं, कच्ची आबादियां फैल रही हैं, तो इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी लिहाज से फिर वक्तन फवक्तन हमको अपग्रेड करना चाहिए, करना पड़ेगा, नहीं तो इस शहर की डायनामिक्स जो है वो आउट हो जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे अभी हम इस तरक्याती पैकेज के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट जिस तरह मुतासर हुई है मिर्जाफ्ता साहब, और इम्पोर्ट हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ी हैं, तो ये भी हमारे इकोनॉमी के अगर कुछ अशारे दुरुस्त करने हैं हमें तो इन पे काम करना होगा। इंडस्ट्रीज जो है, खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमारी बहुत सफर किया है, अब क्या इनिशिएटिव इस हुकूमत के पास भी वक्त है थोड़ा कि वो ले तो हम बेहतर तरीके से आगे। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट कम जो हो रही है ये मैं बतलाना भूल गया था आपको, उसकी एक वजह है, दो वजह नहीं है, ढाई वजह नहीं है, तीन वजह नहीं, एक वजह है। तो वजह ये है कि हमारी पैदावारी लागत जो है मसनूआत की तेजी से बढ़ी है। पैदावारी लागत में आपकी बिजली और गैस की कीमतें हैं, कोशिश तो हमारी अभी भी वजीर आजम आए थे तो हमारे फेडरेशन के सदर ने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपके हेड आए थे जो नए साहिवाल और दूसरे प्रोजेक्ट हैं, 8 रुपए की यूनिट बिजली पैदा हो रही है, हमें आप 14 रुपए और 16 रुपए दे रहे हैं, तो ये जितने में पैदा हो रही है उसके ऊपर 1-2-3 रुपए रख के ले लें, मुनाफा ले, बिल्कुल सही है ना। लेकिन हमारा एनर्जी मिक्स अभी तक सही नहीं हुआ है क्योंकि हम महंगे जराये से बिजली पैदा करने हमारे यहाँ पैदा हो रही है, जिसमें फर्नेस ऑयल है, जिसमें एलएनजी है, जिसमें हमारी कोयले से बिजली नहीं ज्यादा पैदा हो रही है, हाइड्रो से हमने अपने कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ डेंसी नहीं बन रहा है, तो हमें जरूरी है कि पैदावारी लागत को कम करना होगा, जिसमें एनर्जी के कॉस्ट को सबसे पहले कम करना होगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने लगा दिए एक्सपोर्ट रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया नहीं, बिजनेसमैन को आप और खौफजदा कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट आप नहीं कह रहे, मैं मतलब गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट को आप रेवेन्यू जनरेशन का जरिया ना बनाए, 2000 जरिए और उसमें आप चिमट जाए। एक्सपोर्ट जो होती है वो जर मुबादला कमाने का जरिया है, तो वही रखें। हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एक्सपोर्ट पर लगा दी 4-5%, दुनिया में क्या नहीं होता, बल्कि एक्सपोर्ट में ये होता है कि आप अगर कुछ बाहर चीजें खरीदें तो वापसी पे एयरपोर्ट पे VAT टैक्स वापस दे दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं और वजीर आजम साहब ने एक पैकेज ऐलान किया है 180 अरब रुपए का, उसका नाम है ट्रेड एनहेंसमेंट पैकेज। उसमें बड़ा अमाउंट है टेक्सटाइल के लिए और लेकिन ये हुकूमत के बदलने की वजह से, आगे पीछे होने की वजह से ये पैकेज अभी इम्प्लीमेंट उसका अमल दरामद नहीं हो सका। तो आज के प्रोग्राम का खुलासा यही है कि जो पैकेज ऑलरेडी अलार्म हो चुका है उसको जल्द से जल्द अमल दरामद करके
कम अज कम टेक्सटाइल की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, ठीक है, जो 150 मिल बंद हो गया। राजू साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि जैसे टेक्सटाइल सेक्टर की बात की मिर्जा फ्रिया साहब ने, तो बहुत ज्यादा सबसे सवाल जो उठता है वो ये कि बिजली महंगी मिलती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। शुरू से प्रायोरिटी अगर बात की जाए पीएमएलएन की रही थी, एनर्जी सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दी गई, उसके बावजूद भी मसाइल अभी तक भी हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो आप 2012 और 13 की बात कर रहे थे जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, अब कितनी जल्दी है उस सिलसिले में कि फौरी तौर पर इनको कंप्लीट? मार्च 2018 तक हम पूर उम्मीद है कि हमारे जो हमारी जनरेशन गैप है वो फिल हो जाएगी और जो जितनी डिमांड है पाकिस्तान में जो हमें चाहिए वो हम पूरी कर लेंगे। सस्ती बिजली के हवाले से देखें, खुद मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हम सिर्फ कोयले से नहीं बना रहे हैं, हम फर्नेस ऑयल से ही बना रहे हैं, हम एलएनजी भी है, हर चीज महंगी, वो महंगी है, तो एग्रीगेट रेट जो है वो बढ़ जाता है, लाजमी बात है, क्योंकि हम हमारा एक तरफ ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस इलाके में हम कोयले से बिजली बना रहे हैं तो उस इलाके के सनत को तो हम 8 रुपए दे दें और बाकियों को महंगी दे दें, तो वो तो पूरे मुल्क में एक ही रेट होता है। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मार्च 2018 के बाद ये पॉलिसी जरूर बनेगी और उसमें पूरा एग्रीगेट रेट, मुझे जो समझ रहा हूँ कि बल्कि ब्रीफिंग्स भी हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उसमें फिर हम उसको रेट को कम करेंगे। बजट में हमें क्यों नहीं कुछ रिलीफ नजर आए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हमने देखा था कि काफी मराहत देने की कोशिश की गई, दीगर सेक्टर्स को क्यों इस तरह निगलेक्ट कर दिया गया, ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल प्रायोरिटी होनी चाहिए थी और जो 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 चीजें नजरअंदाज हुई हैं वो नेक्स्ट बजट में इंशाल्लाह उसको उसके ऊपर काम होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट ये था कि एग्रीकल्चर मुल्क का बहुत नजरअंदाज हुआ था, उसमें कोई शक नहीं था, बाकी किसान को भी लेकिन साथ लेके चलना चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर हमें मौका मिलता है 2018 के बाद तो उसमें टेक्सटाइल के लिए जरूर काम करेंगे। बुनियादी चीज पे देखें, जो पॉलिटिकल विल होती है ना फैसलों के पीछे, वो बड़ी कारामद है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, अगर वो लगन नहीं है, वो नेक नियति नहीं है, आप पॉलिसीज कितनी भी खूबसूरत बना लें उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। तो हम तो ये मैं समझता हूँ कि जो हम पूरी 2013 से जो मियां नवाज शरीफ की सरबराही में जो उनकी टीम ने काम किया, वो उनकी पॉलिटिकल विल भी थी, वो बड़े स्ट्रांगली उन्होंने वो आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड हुए और उसका हमने रिजल्ट देखा, खासतौर पे अमन अमान के हवाले से देखा। बीच बीच में ये जो धरनों की सियासत होती रही तो उससे आपको लगता है कि इस किस्म के जो प्रोजेक्ट थे वो रुके, तातुल का शिकार, या आपके मिनिस्टर्स आपके जो अपॉइंटेड लोग थे वो इस पे काम लगे रहे? मैं समझता हूँ कि मुखालिफिन ने तो कोशिश की कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी इकोनॉमी को पीछे कर दिया जाए, लेकिन वो है ना कि हम भी बज़्ज़त थे कि शबे गम में सुनहरे दिन की ताबीरें बनाते हैं, कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं। यकीन है मुझको बाजी जीतने का, सतह मेरी है क्योंकि मैं गुलदस्ते बनाता हूँ, वो शमशीरें बनाते हैं, तो है। वो विल है हमारे पास, विल थी। तो आप मुसलसल नदीम साहब बताइए कि कितना इत्तेफाक कर रहे हैं आप इस तमाम पर राजे साहब की गुफ्तगू से? जी राजे साहब तो पूरी उम्मीद है कि अगली हुकूमत हमारी है, लेकिन मैं तो अच्छा, बजट की बात पे अभी तक अगली हुकूमत वही उम्मीद काम करेंगे जो अमली तौर पर आवाम को मुतमईन करेंगे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि अब तक जो इकोनॉमी की सूरत हाल है और जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, बिजली के हवाले भी जो सूरत हाल है, इत्मीनान बख्श नहीं है बीइंग अ जर्नलिस्ट? आप नहीं, नहीं इसको तो अगर देखी जाए तो बिल्कुल है इसमें, अगर आप सबका अदवार को देखें और अभी हालिया जो देखें तरक्की मुल्क के अंदर जो हुई है, अमन अमान की सूरत हाल को देखें, एक आम शहरी आम ताजर वो भी मुतमईन है, वरना बत्ते की पर्चियां उनकी परेशानियां कारोबार में वो रवानी नहीं थी जो अब इस हुकूमत के अंदर वो कैम हुआ अमन अमान। तो इस हवाले से भी ये है कि बेहतरी तो जरूर आई है, ठीक है, जैसा मनसूबा भी देखें कि वो है तो बड़ा पुराना प्रोजेक्ट, लेकिन उसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर और हमारे खास तौर पर पाक अफवाज ने जो उसके ऊपर हाथ रखा, साथ दिया, तो आज वो अपनी तरक्की जो मंजिलें वो तय करता जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर एक जो देखें मुआशी ये एटम बम है और वो भी बलूचिस्तान के उसी खत्ते के अंदर ये लॉन्च हो रहा है जहां से चारी के अंदर एटम बम का तजर्बा किया गया। तो इस हवाले से भी एक इकॉनमी को भी और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जहां भी बसते हैं, इलेक्शन आ जाए बीच में, दूसरी दौरे हुकूमत आ जाए तो सीपैक मुतासर होता, वो मुतासर नहीं होने वाला, वो तो तमाम तजियाकारों ने भी फाइनल कर दिया है कि वो हमारा नेशनल प्रोजेक्ट है जी। ये किसी सूबे का प्रोजेक्ट नहीं है, किसी शहर का प्रोजेक्ट, किसी हुकूमत का प्रोजेक्ट, किसी हुकूमत, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। तो नेशनल प्रोजेक्ट जो होते हैं उनकी ओनरशिप सबकी होती है, मेरी भी ओनरशिप है, मारूफ साहब की भी है, राजा साहब की भी है, सरदार साहब की भी, लिहाजा सी पैक पर मुझे कभी भी डाउट नहीं रहा कि सी पैक का, और सी पैक
विन विन सिचुएशन है हर एक स्टेक होल्डर के लिए. इसमें नुकसान तो है ही नहीं किसी का. आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट वन थर्ड रह जाएगी, लॉजिस्टिक टाइम वन थर्ड रह जाएगा, ये सब चीजें इसमें फायदा ही है. हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर बात करते हैं और कराची में जो लोग काम कर रहे हैं या हैदराबाद की अगर बात करते हैं, वो कितने पुर उम्मीद है, कितने खुश हैं इस चीज को लेके कि सीपैक इतने करीब अगर ये मंसूबा पाया तक मिल पहुंचता है. बिजनेसमैन जो ज्यादा पुर उम्मीद है या एक्साइटेड है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन सीपैक के रास्ते में जो 9 लगने जा रहे हैं वजीर आजम ने अप्रूव कर दिए. हर सूबे में दो दो और गिलगित बल्तिस्तान में एक, तो 9 हो गए. इनमें जो सनअतें लगेंगी जिसमें बाहर के सरमाकार भी हैं लोकल भी हैं, इसमें इंसेंटिव दिए गए हैं कस्टम ड्यूटी के, इसमें इंसेंटिव दिए गए हैं टैक्स रिबेट के. तो ये जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन सनअतें लगेंगी तो खुशहाली आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, तो मुल्क की मार्केट ग्रोथ बढ़ेगी. हम 7% की जो बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ की, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कैटलिस्ट होंगे इसको ग्रोथ बढ़ाने के लिए. तो ये सब चीजें हैं जो साथ साथ चल रही तो हैं. हमें फोकस किस पे रखना होगा, कोई भी दौरे हुकूमत हो लेकिन फोकस क्या होना चाहिए कि हमें ये चीजें अपनी ठीक रखनी है ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें. लेकिन हमारी तरजीहात जो है वो कोई भी हुकूमत आए जाए, तरजीहात हमारी ये होनी चाहिए कि सीपैक डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे दुश्मन हैं जो ऑलरेडी निगाहें इस पे उनकी हैं. भारत खुश नहीं है, अमेरिका भी खुश नहीं है, और खित्ते के कुछ ममालिक जो हैं वो सीपैक को नहीं चाहते हैं. उन्होंने बड़ी कोशिशें नहीं की, भारत ने तो एक सेल बनाया और मिलियंस ऑफ डॉलर फंड थे उसके कि वो इसमें डिस्टर्बेंस लाए. लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को कि मेजर जनरल साहब की सरबराही में जो टास्क फोर्स है उन्होंने सीपैक पे कभी भी डाउट नहीं होने दिया कि सिक्योरिटी ठीक है. यानी सारे जो है वो सब एक पेज पर है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की से कोई नहीं रोक सकता. इक्तसादी सूरत हाल मौजूदा पाकिस्तान की क्या है, फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का, इस हवाले से गुफ्तगू हुई. वफाकी काबीना ने जो कराची और हैदराबाद के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है उससे क्या क्या अच्छी तवक्कोआत वाबस्ता की जा सकती है, उस हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू हुई. अपने मेहमान हजरात का शुक्रिया करते हुए आपसे भी इजाजत चाहूंगा.